प्रिय विद्यार्थी बगड़ियावाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द निर्माण का तीसरा भाग संधि, जो आपकी पूर्व की क्लासों में आपने पढ़ी है, फिर भी एक बार पुनरावृत्ति के रूप में इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखा हुआ है विद्यालय, विद्या प्लस आलय। यहाँ दो शब्द है विद्या और आलय। इन दो शब्दों से एक शब्द बना है विद्यालय। विद्या का मतलब है शिक्षा, आलय का मतलब है घर, यानी जहाँ पर विद्या दी जाती है वो हो गया विद्यालय। तो इसका मतलब हो गया विद्या के लिए घर। इनमें हमने देखा कि जो दो शब्द है, इन दो शब्दों में जो मेल हुआ और उसमें जो परिवर्तन हुआ वही संधि कहलाए। जैसे परिभाषा देखते हैं, दो शब्दों के दो वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो शब्द तो ये है लेकिन दो वर्ण, इसका आ और इसका आ, ये दोनों बने आ, तब क्या हुआ विद्या या, और ये आ यहाँ से हट गया और बन गया ल, तब ये पूरा एक शब्द बन गया विद्यालय। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो शब्दों और दो वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे नीचे फिर एक उदाहरण लिखा हुआ है हिमालय। हिम मानी होती है बर्फ, आलय मानी होता है घर, यानी बर्फ का घर, बर्फ के लिए घर, तब ये बना हिमालय। इसका ए और इसका आ, ये दोनों बना आ, आ बनते ही ये शब्द बना है हिमालय, इसे हम संधि कहते हैं। अब है संधि विच्छेद क्या है। दोनों शब्दों को अलग अलग करके पहले जैसे रूप में लाना, ये दोनों शब्द हैं इनको अलग अलग कर दिया और फिर पहले जैसे रूप में लाए। एक उदाहरण इसका समझिए, भोजनालय, इसमें भोजन प्लस आलय, तब इसका ये शब्द बना भोजनालय, यानी इस स्थिति को हम विच्छेद करना कहते हैं और इस स्थिति को हम संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के तीन भाग हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन तो हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए कि इन तीनों संधियों में होता क्या है। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के दो रूप है स्वर और व्यंजन। इसमें दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तब एक तीसरे स्वर की उत्पत्ति होती है, वहां स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि, जहां पर या तो दो व्यंजन मिलेंगे या स्वर और व्यंजन मिलेगा, या तो ये दोनों मिलेंगे या फिर ये दोनों मिलेंगे, वहां पर व्यंजन संधि होती है। फिर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग और व्यंजन, या तो विसर्ग और व्यंजन का मेल होगा या विसर्ग और स्वर का मेल होगा। अब ये मेल होता कैसे है। विच्छेद में जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, ये चीजें, ये तरीका हमें दिखाई देता है। यहां दोनों स्वर होंगे या दोनों व्यंजन होंगे, या स्वर और व्यंजन होगा, या विसर्ग या व्यंजन होगा, या विसर्ग या स्वर होगा, तब इनमें नियमों के अनुसार परिवर्तन होता रहेगा। अब संधि के प्रकार में स्वर संधि जो है उस स्वर संधि के भाग और उनका विस्तृत अध्ययन हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। व्यंजन संधि और उसके भाग और नियम
वो हम आगे से आगे ऑनलाइन क्लासों में करते रहेंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको इतना ही जानना था कि संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के प्रकार क्या होते हैं। इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों विषयों को याद रखने पर आप आगामी क्लास में जब स्वर संधि पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगी। इस तरह से हम अगली ऑनलाइन क्लास में संधि के प्रकार, स्वर संधि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।